बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, मंडी में रखी फसल हुई खराब। मनासा क्षेत्र में अचानक हुई तेज बारिश ने किसानों की मेहनत को पानी में बहा दिया। धान मंडी में खरीद के लिए आई फसल खराब हो गई। मनासा में अचानक हुई बारिश ने अन्नदाता की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मंडी में खुली पड़ी किसानों की फसल पानी से भीगी तो किसानों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन अपने खून पसीने की मेहनत से उगाई फसल को पानी में बहता देख किसान खून के आंसू रो रहा है। हम बात कर रहे हैं उस अन्नदाता की जिसकी मेहनत से तैयार फसल प्रशासन की लापरवाही से उसकी आंखों के सामने बह गई। मनासा धान मंडी में खरीदी के लिए आई फसल खराब हो गई। क्षेत्र में अचानक आई तेज बारिश ने पूरी धान मंडी में अफरा तफरी मचा दी। खुले में पड़ी किसानों की सरसों, चना तथा गेहूं, सोयाबीन की फसल को ढकने का काम शुरू हुआ। किसानों को जो भी सामान फसल ढकने के लिए मिला, किसानों ने फसल को ढकने का काम तेजी से किया, लेकिन आधा घंटा तेज हुई बरसात ने फसलों को पूरी तरह से भिगो दिया। किसानों द्वारा किया गया कोई भी जतन काम नहीं आया। अपनी खुली आंखों के सामने अपनी फसल बहती देखते रहे। मंडी में सरसों, चना तथा गेहूं की बंपर आवक के चलते शेडों के अलावा सड़कों पर खुले आसमान के नीचे किसानों की फसल पड़ी थी, जो सबसे ज्यादा भीगी। मंडी में जगह जगह लगे फसलों के ढेर, जिसमें सरसों तेज बरसात के कारण बह गई और किसान अपनी फसल को इकट्ठी करते थे और किसान अपनी फसल को इकट्ठी करते देखे गए। किसानों की फसल भीगने पर किसान काफी परेशान हुए। मनासा से रिपोर्टर अमेश राठौर की रिपोर्ट। मनासा से रमेश राठौर की रिपोर्ट। आपका नाम? अरविंद बेरागी। क्या मामला है सर? ये यहाँ पे अभी 1:30 बजे का आने का था व्यापारी की बोली लगाने का, तो बदल दे के व्यापारी आए नहीं यहाँ पे, तो मतलब अभी 2:30-3 बजने का आए, अभी तक नहीं आया। हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे और बारिश आ गई, तो 1:30 बजे का टाइम था, 1:30 से 2 बजे पानी आया है, तो उनको 1:30 बजे यहाँ आना था। तो ये मंडी प्रशासन की लापरवाही है। क्या क्या नुकसान हुआ है अभी? देखिए आपके सामने ये देख लीजिए, पानी भरा हुआ है। आप लोगों का माल आपने टीन शेड में क्यों नहीं डाला? जी टीन शेड में क्यों नहीं डाला आप लोगों ने माल? टीन शेड में व्यापारी को माल है, थोड़ा कैमरा इधर कर लें आप तो नजर आ जाएगा। आप लोगों ने मंडी कमेटी को नहीं बोला? कोई कहाँ है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या इसके बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी मंडी को, मंडी समिति को आपने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका माल जो है बाहर पड़ा है और व्यापारी को शेड में पड़ा है? सभी को नजर आ रहा है सर। आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन दी उनको? बोला उनको क्या नाम है? बंसीलाल। कहाँ से हो? केनपुरिया से। क्या लेके आओ? सोयाबीन लेके आया सर। क्या मामला हुआ अभी? पानी किसमें गीली होगी सर सोयाबीन। और शेड में क्यों नहीं रखा आपने माल? शेड में क्या है वो सुनते ही नहीं है, मंडी कमेटी जाके गया था, व्यापारी का माल पड़ा हुआ सर। व्यापारी का माल पड़ा है शेड में। तो आपने शेड के लिए बोला था उनको? बोला था। तो फिर क्या कहा, वहाँ से क्या जवाब मिला? कुछ नहीं बोले ही नहीं। अभी नीलामी तो बोले, अभी नीलामी कितनी देर से? अभी नीलामी अभी जाके मंडी में जस्ट उन्होंने कहा 10 मिनट बाद आ रहे हैं। कब गए थे आप? अभी जस्ट गए सर, एक बार पहले गए, अभी और 3-4 रात को 15 मिनट। 12 बजे बंद, गोली बंद कर दी उन्होंने। गोली तो 12 बजे बंद है, 12 बजे बाद तो आई नहीं। बारिश हो गई और बारिश रुकने के बाद भी नहीं आ रहे अभी तक। बारिश रुकने के बाद भी नहीं आ रहे।